शासन के निर्देश पर महीने के पहले व तीसरे शनिवार को चलने वाले संपूर्ण समाधान तहसील दिवस के सदर तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में आए हुए समस्त फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी से सुना गया तथा संबंधित को निराकरण करने का निर्देश भी दिया गया, जिसके संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि शनिवार को तहसील सदर सभागार में तहसील समाधान दिवस पर अधिकतर पुलिस व राजस्व विभाग से संबंधित मामले आए और कुछ विकास विभाग से भी जांच कराने के संबंध में मामले आए। उन्होंने कहा कि 1 बजे तक 77 मामले आए जिसमें 4 प्रकरण का निस्तारण किया गया, बाकी के लिए समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। ज्यादातर मामले भूमि विवाद व न्यायालय में विचाराधीन वाद के आए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, चौथी को महिला है जाकर कोई लिखवा दे रहे कोई अनपढ़ महिला है कोई लिखवा दिया ये याद का बना मत है सर 2002 जी 960 दिन बेचा है जी हमसे क्या मतलब तहसील दिवस पे आज अधिकतर मामले राजस्व और पुलिस से संबंधित है, कुछ विकास विभाग से भी संबंधित मामले जांच कराने इत्यादि के संबंध में आए हैं, सड़क निर्माण नाली खड़ंजे। अभी तक 1 बजे तक लगभग 77 कंप्लेंट आई है, 4 प्रकरण का मौके पर निस्तारण किया गया, बाकी के लिए समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया। आप देखेंगे कि जितने मुकदमे आते हैं उसमें से अगर किसी न्यायालय में वाद नहीं लंबित है, मोस्टली दीवानी में लंबित रहता है, वो हम नहीं कर पाते हैं, अन्यथा की स्थिति में 80-90% मामले निस्तारित हो जाते हैं।